जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग दयालाचक और चढ़वाल के बीच में एक पुल के ढहने की वजह से अवरुद्ध हो गया है। आपको मैं बताऊं कि करना नाले में जो सैलाब आया है उसमें पिलर एक जो है वो खिसक गया है पुल का, और ये एक साल पहले जो है पुल बनाया गया था, जो पुराना पुल था उसे तोड़ करके नया पुल बनाने का काम जारी है। वहीं अभी के समय में जो एक पुल चल रहा था सुचारू रूप से, उसका भी पिलर खिसक गया, जिस कारण स्लैब जो है वो ढह गई। प्रशासन ने देखते हुए अब जो है नेशनल हाईवे की गाड़ियों को रूट डाइवर्ट किया है। अब वो बॉर्डर रोड से होते हुए 15 किलोमीटर का राउंड लगा करके फिर NH 44 पे आ रही हैं। ये साफ तौर पर बहुत बड़ी क्षति की बात है, और यहाँ पर अलर्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए भी है और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए भी है जिसने एक साल पहले ये पुल बनाया है। कैसे ये पुल का स्लैब खिसक गई, पिलर खिसक गया, ये उस कंपनी को जवाब देना होगा। इस बीच NHAI को जितने भी बड़े दरिया है जो बरसाती दरिया है उनके ऊपर बने पुलों का भी अब जो है मुआयना करना होगा, उनकी अभी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और जिस तरह से भी जल सैलाब आ रहा है क्या वो पुल जो है वो उन सैलाबों को झेलने की क्षमता में रखते हैं। फिलहाल हाईवे जो है वो अवरुद्ध हुआ है और अभी काफी वक्त लगेगा उसको बराबर दोबारा बनाने के लिए।